अमानक पॉलिथिन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पीएनडी गेट नंबर 3 के पास स्थित नानक राम खत्री के मकान में नगर निगम, जिला प्रशासन एवं मदन महल पुलिस ने छापा मारकर अमानक पॉलिथिन का जखीरा बरामद किया। नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर भूपेंद्र सिंह के अनुसार कुल 193 बोरियां जब्त की गई हैं, जिनके विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जाएगी। पीएनडी गेट नंबर 3 के पास स्थित नानक राम खत्री के मकान में नगर निगम, जिला प्रशासन एवं मदन महल पुलिस के द्वारा नानक खत्री के घर में दबिश देकर 193 बोरी अमानक पॉलिथीन जब्त की गई है। मदन महल पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्यवाही की गई और जब्त की गई अमानक पॉलिथीन के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। अमानक प्लास्टिक का यहाँ पे भंडारण किया गया है, तो तीनों टीमें इकट्ठे मिलकर दबिश दी थी। तो यहाँ नानक राम खत्री जी के किए एबेंडेंट खाली पड़े मकान में लगभग 193 बोरी प्लास्टिक पाई गई हैं, जिनके की आगे की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जाएगी। ये बलूचिस्तान कराना स्टोर के बगल में है, ये जो अपना चिरायु अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल, उसके ठीक सामने वाली गली में पीएनटी गेट नंबर 3 के पास। सवेरे एक गागा चौक में जो है, एक हम लोगों ने सागर ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक था, उसको पकड़ा था। उसमें जो है खोल के चेक किया तो उसमें पॉलीथीन वगैरह थे, जिसको अभी गोहलपुर थाने में खड़ा कराया गया है। और सुबह एक गाड़ी के और आने की सूचना मिली थी, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी, तो बाद में पता चला कि वो आके यहाँ इस गोडाउन में खाली हुई है। ये गोडाउन पे अभी हम लोगों ने जो है तो गोडाउन मालिक को बुलाकर खुलवाया है, पूरा चेक किया है। इसमें लगभग जो है 193 बोरे जो है तो पॉलीथीन मिली है, इसलिए आज अभी हमने, चूँकि रात में विनिष्टीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, इसको सील कर दिया गया है और आगे इनको जुर्माना और इसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई 2 दिन के अंदर करेंगे। किनका गोडाउन है? और ये नानक राम जी खत्री हैं, उनका है। पुलिस के अनुसार नानक राम खत्री के मकान में मिली पॉलिथीन के संबंध में कार्यवाही की जा रही है और भरतीपुर में कृष्णा प्लास्टिक के नाम से दुकान की भी जानकारी मिली है।